डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने ईथर के बारे में पढ़ रहा था, उसका गुण के बारे में, और दूसरी बात कि ईथर का अणुसूत्र भी देखा था, और ईथर के अभी हम लोग अभिक्रिया पढ़ रहे थे। तो पहली अभिक्रिया को देखा था, चलिए अब हम लोग आइए दूसरा अभिक्रिया को देखते हैं। तो अभिक्रिया नंबर बी, ये हम लोग देख लिए थे किसके साथ, तो हम लोग क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो पहली अभिक्रिया क्लोरीन के साथ यानी हैलोजन के साथ देखे थे। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। तो H2SO4 के साथ अगर ईथर अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिखा गया, जब ईथर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो जब ईथर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई भी अगर ईथर है, ईथर का मतलब होता है बीच में ऑक्सीजन और दोनों तरफ से कार्बन का चयन, CH3 CH2 O CH2 CH3, ये रहा ईथर। इसको हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4। इसके साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जरा देख लीजिए। तो इसके साथ कराते हैं तो एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3 CH2 OH जुड़ता है, C2H5OH, यही ना हुआ हम लोगों का एथिल अल्कोहल। और इसके साथ बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2 HSO4। देख पा रहे होंगे, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे क्या बन रहा होगा, तो CH3 CH2 HSO4, ये हम लोगों को बन रहा है, इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, ये है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये हम लोगों का पता है ना, एक तरीका का ईथर है, और इसका ईथर का नाम क्या है, एथॉक्सी एथेन, इसका नाम है एथॉक्सी एथेन। तो याद रखिएगा दूसरा, कि अगर कोई भी ईथर को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हमेशा एथिल अल्कोहल बनेगा, यानी कि OH जुड़ जाएगा, ठीक है, और बाद बाकी बाहर निकलकर और HSO4 जुड़ेगा, यानी हमेशा एथिल अल्कोहल बनता है और आगे हम लोग का HSO4 बाहर निकल जाता है। चलिए इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हो सकता है कि सर आपके मन में एक डाउट हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है ना, एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे इस एथॉक्सी एथेन है, अब हम लोग कुछ और ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया CH3 O CH2 CH3। दोस्त, ये भी तो अभी भी ईथर है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के एक तरफ का कार्बन, ऑक्सीजन के दूसरे तरफ का कार्बन, जब हम लोग इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हम लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल तो पक्का बनेगा, क्योंकि यहां पे बोला कि कोई भी ईथर क्यों ना हो, जब सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा हमेशा अल्कोहल बनेगा, तो अल्कोहल का फॉर्मूला CH3 CH2 OH, यानी कि C2H5OH हो गया। बाद बाकी क्या बच रहा होगा यहाँ पे, तो CH3 और CH2 यूज हो गया,
तो यहां पे बच रहा होगा CH3HSO4। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3HSO4, और इसको बोलेंगे एथिल अल्कोहल। हमेशा दोस्त एथिल अल्कोहल ही बनेगा, और जो बाद बाकी बच रहा होगा हम लोग उसको बाहर कर देंगे HSO4 के साथ। चलिए तो ये बी नंबर था, अब हम लोग आते हैं सी नंबर, यानी कि अब की बार हम लोग ईथर का जो अभिक्रिया देख रहे हैं वो हैलोजन अम्ल के साथ देखेंगे कि हैलोजन अम्ल के साथ क्या होता है। तो लिखा जाए हैलोजन अम्ल के साथ, इसको एच एक्स बोलते हैं, हैलोजन अम्ल का मतलब एच एक्स के साथ, के साथ। उसके नीचे आरोप देंगे, लिखेंगे जब इथर को हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल हैलाइड का निर्माण होता है। एथिल हैलाइड और ब्रैकेट में होता है C2H5X, इसको बोलते हैं एथिल हैलाइड। एथिल हैलाइड का निर्माण होता है, एथिल हैलाइड का निर्माण होता है। चलिए तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि हैलोजन अम्ल के साथ इस बार अभिक्रिया कराना है, यानी कि कोई सा भी इथर ले लेते हैं हम लोग, जैसे कोई सा भी इथर ले लो भाई, आप एक बिल्कुल याद रखो एग्जाम्पल में लिख लो कोई भी इथर, तो हम बदले लिया CH3O CH2CH3, एक तरह का इथर है। क्यों इथर है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का चयन है। जब इसको हम लोग हैलोजन अम्ल के साथ कराए, हैलोजन अम्ल का मतलब एच एक्स के साथ, ये इसको एग्जाम्पल नहीं लिखो भाई, इसको रूल लिख दो, रूल्स, क्योंकि एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। फिर क्या हुआ, एथिल हैलाइड बनेगा, तो एथिल हैलाइड का मतलब क्या कि CH3CH2 और X, और बाद बाकी क्या होगा हम लोगों को बाहर, तो बाद बाकी हम लोगों को H2O बाहर हो जाएगा, यानी कि यहां पे CH3 एथिल क्लोराइड, एथिल हैलाइड बनना था ना, तो एथिल हैलाइड हम लोगों को इस सिचुएशन में बाहर हो जाएगा, ठीक है, एथिल हैलाइड हो गया और हमेशा H2O बाहर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका एग्जांपल के तौर पे, याद रहेगा हम लोगों को X क्या है, X हैलोजन है, X के जगह पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एम्स्टेटाइन रख सकते हैं, तो X हम लोगों का हैलोजन है और हैलोजन के बारे में हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो पहले एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, अगर मान लिया दोस्तों कि इस तरीके से है CH3O CH2 CH3 और प्लस X के जगह पे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड HCl यूज कर लिया, तो क्या बन रहा होगा हम लोगों को, तो हमेशा एथिल हैलाइड बनता है, तो CH3 CH2 और यहां पे कर दिया Cl, ठीक है, यानी सबको मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं C2H5Cl और प्लस H2O। ध्यान रहे दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, इधर कार्बन 1 2 3 है, इधर कार्बन कितना है 3 कार्बन है, उधर कार्बन कितना है 2, ठीक है, तो हम इसको कर दिए कितना से, हम या तो इसको 2 से गुना कर दिए, तो 2 कार्बन 2 कार्बन और 2 कार्बन, टोटल 6 कार्बन हो गया, इसको 3 से गुना कर दिए, तो अब जरा हाइड्रोजन देख लीजिए, 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन, 2 × 2 = 4, तो 6 × 4 = 10 और 6 = 16 वो हाइड्रोजन और 1 यहाँ पे 17 वो हाइड्रोजन, तो 17 वो हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 5 × 3 = 15 हाइड्रोजन और 2 = 17 हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन कितना, तो क्लोरीन देख पा रहे होंगे 1 क्लोरीन है, हमको कितना क्लोरीन चाहिए 3 क्लोरीन, तो इसको 3 से गुना कर दिया,
ठीक है, तो जब तीन से गुना कर दिया तो क्लोरीन तो तीन हो गया, हाइड्रोजन मिलाते हैं तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया, तो यहां पे देख पा रहे होंगे तीन दुना का छ, छ और दो दुना का चार, छ चार दस, छ सोलह और तीन उन्नीस हाइड्रोजन। अच्छा ये संतुलित नहीं हो रहा है, तो ऐसा करते हैं ना कि संतुलित नहीं हो रहा है तो फिर तो दिक्कत है, तो ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोगों को ऐसा ही इथर लेना होगा जो संतुलित रूप में आ सके, क्योंकि ऐसा संतुलित नहीं हो रहा था तो हम लोग इसको क्या किए, ऐसा इथर ले लिए, तो ऐसा इथर ले लिए तो हम लोग का भी तो वही बनेगा ना C2H5Cl और H2O, यानी कि दोनों तरफ का ना बराबर लेना होगा इस केस में, तभी हम लोगों का समीकरण संतुलित हो पाएगा। अब देख लीजिए कार्बन यहाँ चार है तो इसको दो से गुना कर दिया, हाइड्रोजन टोटल कितना है तो तीन दो पांच दो सात, तीन दस और एक ग्यारह, और यहाँ पांच दुना का दस और दो बारह, तो यहाँ दो से गुना कर दिया तो यहाँ पर भी देखिए हो गया तीन दो पांच दो सात, तीन दस और दो बारह, हाइड्रोजन भी दो, क्लोरीन सब चीज हो गया, यानी कि कुल मिलाकर हम लोगों को ऐसा ही इथर लेना होगा जिसपे ये समीकरण संतुलित हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर टू हम लोग ऐसा नहीं है CH3 ऑक्सीजन CH3, ये भी तो इथर है ना भाई, और इसको इस बार करा दिया HBr से हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हम लोगों को क्या बनने वाला है यहां पे C2H5Br प्लस H2O। देख लेते हैं हम लोगों को कितना कितना हो रहा है कि नहीं, कार्बन कितना है भाई दो, तो कार्बन दो, हाइड्रोजन तीन तीन छ और एक सात, हाइड्रोजन पांच और दो सात, ब्रोमीन एक ठो, ऑक्सीजन एक ठो, ब्रोमीन एक ठो, ऑक्सीजन एक ठो, यहाँ पे कोई गुना करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को एक बात ध्यान देना होगा कि ऐसे सवालों में ना जब हाइलोजन अम्ल से करेंगे तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ताकि हम लोगों को संतुलित करने में कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि एथिल हैलाइड ही तो बन रहा है, इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये था हम लोगों का हैलोजन अम्ल, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ इसके पहले हम लोग पढ़े सल्फ्यूरिक अम्ल, तो अभी हम लोग आते हैं डी में ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जिसको हम लोग ऑक्सीजन को ध्यान रहे अकेला ऑक्सीजन नहीं रखते हैं, ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में रखा जाता है, तो अगर हम लोग ईथर को ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बात बनेगा हम लोग फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे। जब ईथर को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत किया जाए तो डाइएथिल ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है, डाइएथिल ईथर हाइड्रो पेरोक्साइड का निर्माण होता है। चलिए देख लेते हैं ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या क्या बात बनेगा। तो सबसे पहला बात इसमें हम लोग सीखें कि कोई भी इथर है, जैसे मान लिया CH3 के साथ हम लोग ऑक्सीजन को रिएक्शन कराए O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए यहां पे, तो हम लोगों को क्या बात बन रहा है जरा देख लेते हैं।
तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो किस कितना में होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम लोग O2 डाल दिए हैं। ये हम लोगों को कौन कौन सा रिएक्शन कराएगा, किसको हम लोग बोलेंगे डाई एथिल इथर हाइड्रोपेरोक्साइड आखिर किसको कहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही बन रहा है। तो भाई डाई एथिल इथर में ना इसको सबको लिख लिया जाता है, यहाँ पे CH3, CH2, CH3, यहां पे एक हाइड्रोजन टूटता है, इससे ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहां वाला हाइड्रोजन टूटता है और इसके जगह पे दोनों ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, और दोनों ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद यहां वाला हाइड्रोजन को लास्ट में जोड़ते हैं। हम क्या बोले शुरू में कि ये इथर को ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर ऑक्सीजन के साथ अगर इसको अभिक्रिया कराया जाए या फिर ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत किया जाए तब यहां पे क्या बनता है, तो इसी का नाम है डाई एथिल इथर हाइड्रो पेरोक्साइड डाई एथिल इथर हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोपेरोक्साइड का मतलब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड बंधन। आप सीखे होंगे कि पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लगने वाले बॉन्ड को हम लोग अभी सीखेंगे, 12th में ही सीखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे हाइड्रोपेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा है डाई एथिल इथर है, क्योंकि एथिल एथिल दो जगह आया है, तो डाई एथिल हो गया और ये पूरा का नाम हो गया इथर, क्योंकि इथर ही है ना हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ध्यान रहे अगर हम लोग इथर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है डाई एथिल इथर हाइड्रोपेरोक्साइड। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इथर के उपयोग, यानी कि कुल मिलाकर हम लोग तीसरा पॉइंट लिखे थे ना, तो अब लिखा जाए चौथा में उपयोग। ध्यान रहे पहला में अणुसूत्र लिखे थे, दूसरा में उसका गुण लिखे थे, तीसरा में अभिक्रिया लिखे और चौथा में अभी उपयोग लिखने वाले। तो चौथा में उपयोग के नीचे एरो देंगे, लिखेंगे किसका उपयोग, तो ईथर का। ध्यान रहे ईथर का भी हम लोग उपयोग लिख रहे हैं, तो उपयोग के नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे ईथर के उपयोग निम्नलिखित है। पहला निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। दूसरा में लिखेंगे इथर का उपयोग प्रयोगशाला में विलायक के रूप में प्रयोगशाला में विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक के रूप में किया जाता है। दोस्तों पता है ना आपको, जब हम लोग पहला चैप्टर था ना हम लोगों का, कौन कौन सा था, हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन, तो वहां पे भी हम लोग देखे थे कि एक कंपाउंड था जिसको हम लोग निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। आज फिर से दोस्तों आप जान रहे होंगे ईथर का भी इस्तेमाल जो है ना, हम लोगों का ईथर का इस्तेमाल भी किसी भी स्थान को शून्य करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ईथर का पहला उपयोग क्या है, तो निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक का मतलब चेतना को शून्य करने के लिए, ठीक है। और दूसरा में हम लोग क्या लिखे कि किसी भी विलायक को, विलायक का मतलब हम लोग विलयन पढ़े हैं ना, उसमें दो तरह का होता है, एक विलयन और एक विलायक। तो हम लोग किसी भी
वस्तु या पदार्थ को घोलने के लिए विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लिया कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं घुलते हैं तो उनको घुलाने के लिए विलायक के रूप में इथर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यही दो जगह इथर का इम्पोर्टेंट यूज था। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे फिनॉल, क्योंकि देखिए हम लोगों का चैप्टर क्या था, अल्कोहल, फिनॉल और इथर। तो सबसे पहले आप जब चैप्टर का शुरुआत हो रहा था तो अल्कोहल के लिए, फिनॉल के लिए और इथर के लिए, तीनों के लिए हम लोग आईयूपीएसी नाम सीख लिए। अल्कोहल से भी संबंधित आईयूपीएसी नाम, फिनॉल से भी संबंधित आईयूपीएसी नाम, इथर से भी संबंधित। अब स्पेशल अल्कोहल के बारे में पढ़ा, एथिल अल्कोहल के बारे में, उसका अणुसूत्र, उसका गुण, उसका उपयोग, उसका अभिक्रिया, उसी तरीके से इथर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, फिनॉल। और फिनॉल में आप जानते होंगे कि आईयूपीएसी नाम तो पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग फिनॉल के बारे में उसका अणुसूत्र, उसका गुण, उसका उपयोग और अभिक्रिया बचा हुआ है। चलिए टॉपिक्स करते हैं, लिखा जाए नेक्स्ट टॉपिक फिनॉल। फिनॉल टॉपिक देंगे, टॉपिक दिया गया फिनॉल। तो फिनॉल आपको जानते हैं ना, फिनॉल का पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो फिनॉल का जो अणुसूत्र होता है ना दोस्त, वो होता है बेंजीन रिंग से क्या जोड़ देना, तो एक OH, बेंजीन रिंग से एक OH को जोड़ देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये फिनॉल क्या होता है, तो बेंजीन रिंग से OH जुड़ता है, बेंजीन रिंग से OH जुड़ता है। तो पहला में हम लोग देखें अणुसूत्र, दूसरा निर्माण, दूसरा में क्या देखेंगे हम लोग, निर्माण। ठीक है, अब निर्माण में हम लोग देखेंगे कि आखिर फिनॉल का निर्माण कैसे होता है, फिनॉल का निर्माण कैसे होता है, यानी कि इसका निर्माण जो होता है ना वो कैसे बनाया जाता है फिनॉल। ठीक है, तो लिखेंगे एरो देकर, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फिनॉल का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फिनॉल का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि फिनॉल का तो हम लोग सूत्र देख लिए कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन रिंग से OH को जोड़ दिया जाए वो फिनॉल कहलाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग अगर बात करें कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसके निर्माण के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि क्लोरोबेंजीन के साथ, जी हाँ दोस्तों, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन रिंग से क्लोरीन को जोड़ना, तो बेंजीन रिंग से क्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन गया क्या, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। आप ये क्लोरोबेंजीन कहां पढ़े होंगे, तो पहला चैप्टर में, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन, इसमें आप पढ़े होंगे क्लोरोबेंजीन। अच्छा, इसको हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, NaOH के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको अभिक्रिया को दिखाते हैं तो हम लोग कैसे कैसे इसका करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो इसका जो प्रतिस्थापन, हम लोग तो सीखे ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कि क्लोरीन का OH के साथ प्रतिस्थापन हो जाता है, ठीक है। तो जब ये आपस में प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो OH चला जाएगा क्लोरीन के जगह, यानी अब जो प्रतिफल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। तो इसीलिए बोला गया कि जब, और यहां हो जाएगा NaCl, इसी का दोस्तों हम लोगों का नाम है फिनॉल, ठीक है। तो अगर सवाल आएगा कि फिनॉल का निर्माण कैसे होता है, फिनॉल कैसे बनता है, तो हम बोलेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों का फिनॉल बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर होता है। लेकिन दोस्तों अगर बहुत साल पहले फिनोल जो प्राप्त किया जाता था ना, वो कुलतार से प्राप्त किया जाता था। कुलतार एक यौगिक है जो कच्चा पदार्थ के रूप में धरती से निकाला जाता है। तो बहुत समय पहले सर्वप्रथम शुरुआती दौर में फिनोल कैसे बनाया जाता था, तो धरती के अंदर से जो कुलतार निकाला जाता था तो वो जो कुलतार से ना फिनोल बनाया जाता था। इसी क्रिया को पहले कार्बोलिक अम्ल भी कहते थे। इस फिनोल को कौन सा नाम से बोलते थे? कार्बोलिक अम्ल। लेकिन अब ये काम का नहीं है, बस हम लोगों को जानना जरूरी है कि बहुत साल पहले सर्वप्रथम क्या फिनोल कैसे प्राप्त किया जाता था, तो कुलतार से प्राप्त किया जाता था, ठीक है। और इसीलिए इसको बोला जाता था फिनोल का, को ही बोला जाता था कार्बोलिक अम्ल। तो सवाल आएगा कि फिनोल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहा जाता है, तो आप बोलेंगे कार्बोलिक, कार्बोक्सिलिक नहीं बोल रहे हैं, कार्बोलिक अम्ल। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम शुरुआती दौर में फिनोल का निर्माण कुलतार से किया जाता था, इसीलिए इसको कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। तो इस बात को लिख ही लीजिए नोट में करके, नोट में लिखेंगे, नोट में सर्वप्रथम फिनॉल को कुलतार से प्राप्त किया जाता था, इसलिए इसे कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। तो हम लोग देख रहे थे, अभी दूसरा पॉइंट चल रहा था, ये हम लोग सीख रहे थे कि इसका निर्माण कैसे होता है। चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट सीखते हैं गुण के बारे में। किसके गुण? तो फिनॉल का गुण। तो अब हम लोग आइए सीखते हैं तीसरा पॉइंट गुण, उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे फिनॉल के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, यह रंगहीन पदार्थ है। दूसरा, इसका क्वथनांक 455 केल्विन होता है, 455 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 455 केल्विन होता है। तीसरा लिखेंगे, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है जिसे
फिनोलिक गंध कहा जाता है। फिनोलिक गंध कहा जाता है। फिर लिखेंगे चौथा गुण, यह एक विषैला पदार्थ है इसलिए त्वचा के संपर्क में आने से फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। फफोले मतलब कि फोड़े फुंसी होता है ना, तो फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों का फिनोल का गुण, पहला गुण तो हम लोग पहले सीख चुके हैं कि अधिकतर कार्बनिक रसायन जो होते हैं ना वो रंगहीन होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है। तो ये पहला गुण है कि उनका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन है। दूसरा कि इनमें इनका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 455 केल्विन होता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, फिनोल जैसा गंध, उसको हम लोग फिनोलिक गंध के नाम से जाना जाता है। और यह एक विषैला पदार्थ ही है, इसलिए आप इसको त्वचा के रूप में, त्वचा के संपर्क में लाइएगा ना, तो उस त्वचा पे फोड़े फुंसी होने लगेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सीखे कि इसके संपर्क में, त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। फिर हम लोग अगला पॉइंट बनाएंगे, चौथा पॉइंट है अभिक्रिया। तो दोस्तों, इसका अभिक्रिया अलग अलग तरह का है, यानी कि इस बार हमें फिनोल फिक्स रहने वाला है, फिनोल को फिक्स रखेंगे और इसके साथ हम लोग और भी तरह तरह की अभिक्रिया को देखेंगे। तो अभिक्रिया को फिलहाल हम अगले दिन करेंगे। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।